नमस्कार स्टूडेंट स्टूडेंट एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। हम सभी जानते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वह 0 से लेकर के 1 तक, 0 से लेकर के 1 तक, 0 से बड़ा हो और 1 से कम हो तो प्रोबेबिलिटी मानी जाती है कि प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो है श्योर इवेंट होता है, श्योर पॉसिबिलिटी होती है कि यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी है। अब इसमें क्वेश्चन में है कि 2/3 है, तो जो 2 है वो 0 से बड़ा है लेकिन 1 से कम है बिकॉज इसका डिनोमिनेटर बड़ा है। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि भैया ये जो 0 है 0 से 2/3 बड़ा है लेकिन 1 से ये कम है तो ये प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ये होगी यहां पर, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर कोई भी नंबर अगर नेगेटिव में है, नेगेटिव साइन के साथ है, माइनस साइन के साथ है, तो वह नंबर जो होता है हमेशा क्या होता है -1.5 जो होगा वो 0 से छोटा होगा, और जो नंबर 0 से छोटा होगा वो प्रोबेबिलिटी नहीं होगा। तो आप यहां लिख देंगे कैन नॉट बी अ प्रोबेबिलिटी, कैन नॉट बी अ प्रोबेबिलिटी। यहां पर देखिए 15% है तो 15% को आप अगर एक्सप्रेस करेंगे तो 15/100 होगा, ये हो जाएगा 5 3 15 3 20 हो गया। ये नंबर जो होगा 0 से बड़ा है बट 1 से कम है क्योंकि यहां पर डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये जो होगा प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ये प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी है ये, ठीक। नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 0.7, अगर हम 0.7 को एक्सप्रेस करें तो ये लिख सकते हैं कि 7/10, यहां पर डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, जो डिनोमिनेटर है वो छोटा है, तो ये नंबर जो होगा इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि 0 से ये बड़ा है 7/10 बट 1 से छोटा है, तो यहां पर ये भी क्या होगा प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है, ये भी प्रोबेबिलिटी होगी। यहां पर क्वेश्चन में कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी, तो ये वाला जो आपका ऑप्शन होगा ये ऑप्शन आपका राइट माना जाएगा कि ये प्रोबेबिलिटी नहीं है और रेस्ट जितने भी हैं वो सभी प्रोबेबिलिटी है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू वॉच।